जीने का तरीका बतलाए, चलने का सलीका सिखलाए। अच्छा क्या है और क्या है बुरा है, बात जहाँ को समझाए। अम्मा के लबों से हदीस की बातें निकलती हैं, बड़ी मीठी लगती है जब तो अल्लाह और रसूल ने क्या फरमाया ये तुम भूल गए? मैंने कहा ना खाला, मुझसे गलती होगी और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी अपने माँ बाप से मांगो। अबू, अम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और अपने घर चलिए। शुक्र है मालिक। लो, पेट्रोल फिर से बढ़ गया, सारी चीजें महंगी कर देंगे। आमदनी बढ़ती नहीं है, खर्चा है कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह ही रहम करे। अम्मा जी, 50,000 रुपया निकालो। क्यों? इज्जत का सवाल है अम्मा जी, बस दे दो। इतनी बड़ी रकम तुझे काहे के लिए चाहिए? अम्मा जी, होटल नया बना दूंगा बिल्कुल, मैं सारी कुर्सियां नहीं लाऊंगा, टेबल नहीं बदलूंगा, वो पर्दे भी नहीं लगा दूंगा मैं, और दो वेटर भी नए लाऊंगा मैं। अरे कमबख्त मारे, पिछले साल ही तो रंग हुआ था, पॉलिश हुई थी फर्नीचर पर। अरे अम्मा जी, तुम बहस बहुत करती हो। अरे तुम चेक काट के दो ना, मैं बैंक से जाकर पैसा निकाल के लाता हूँ, खत्म हो गई बात। अव्वल तो मेरे पास पैसा है नहीं, और है तो मैं तुझे दूंगी नहीं। ये अचानक होटल को रेनोवेट करने का ख्याल तेरे दिमाग में आया कहाँ से? ए अम्मा जी, मैं तुम्हारे पैसे लेके भाग जाऊंगा, यकीन नहीं है मुझ पे। आज तक तुम्हारा एक पैसा भी गुलाम रसूल ने इधर से उधर किया है? अरे मैंने कहा ना अम्मा जी कि इज्जत का सवाल है। पहेलियां बुझाना बंद कर गुलाम रसूल, सीधी सीधी बात कर, वरना अपना मुंह काला करके किचन में जा। बस यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बातें तो समझती नहीं हो। घर में ही बैठे रहना, कभी बाहर जाके देखना नहीं कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। अरे मोहल्ले में लुक्कर पे 4 दुकानें थी ना, बिक गई है वो, और उन चारों दुकानों को तोड़ के एक बड़ा सा होटल बनाया जा रहा है वहां। कौन बना रहा है? तुम्हारा हैदर अली। हैदर अली? हाँ, हैदर अली, वही तुम्हारा मुच्छड़ लंगड़ा के चलता था, तैमूर लंग की औलाद कमीना। अच्छा, होगा हैदर अली। हाँ। क्या होगा अम्मा? हैदर अली। अरे वही हैदर अली जिसकी बकरी मसूद मियाँ के मोटरसाइकिल के नीचे आ गई थी, और एक बकरी के बदले कमबख्त ने 4 बकरियों के दाम लिए थे तुमसे, मुझे अच्छी तरह से याद है। अच्छा अच्छा, वो हैदर अली। 420। लेकिन वो तो मस्कत चला गया था। हाँ, मौत नहीं आई हरामजादे को, वापस आ गया है खूब सारे पैसे कमा के। खुले साड़ की तरह मोहल्ले में मूछ पे ताव दिया घूम रहा कमबख्त। अगर हैदर अली होटल खोल रहा है तो तू क्यों घबरा रहा है? बस्ती बड़ी हो गई है, एक होटल और आ जाएगा तो अच्छी बात है। हाँ, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, जो भी हो गुलाम रसूल का ही होगा। अरे मेरी भोली अम्मा, तुम समझते क्यों? बड़ा सा होटल खोलेगा, लोग बड़ी जगह देख के वहां खाना खाने चले जाएंगे, हमारी ग्राहकी कटेगी ना। अल्लाह रज़ाक है, हैदर अली हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मतलब तुम मुझे 50,000 रुपया नहीं दोगी? मेरे पास नहीं। चलो 25,000 दे दो, ऊपर से टिप टॉप करवा दूंगा, लाओ। अरे कह दिया ना, नहीं है तो नहीं है। अब तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना, अगर हमारा वाजवा होटल बंद हो जाएगा ना किसी रोज, तो मुझ पे इल्जाम मत देना अम्मा जी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हाँ हाँ, मुझे तो बिल्कुल मत देना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम।
कहो अलीजान, कैसे आना हुआ? गुजर रहा था तो सोचा सलाम करता चलूं, दुआएं ले लूं और कुछ कलाम करता चलूं। अम्मा जी, आपके लिए एक बड़ी चंगी खबर लाया हूं। चंगी खबर? हाँ हाँ, आप लोगों को मालूम भी है बस्ती में एक बड़ी और नई होटल खुल रही है। हाँ तो खुल रहा, अभी मुझे गुलाम रसूल ने बताया। हाँ अजी, मैं तो उधर से जा रहा था, हैदर अली ने बुला लिया मुझे। वो जानता है जी मुझे, जब मेरा घर बार था तो वो गुड़गुड़ी पीने के लिए आया करता था, अब तो मेरा कोई घर बार ही नहीं रहा। वो घर बार वाले काम की बात बताएगा तू कि रोता ही रहेगा तू? हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि हैदर अली ने मुझे गरम गरम चाय पिलाई और दो बिस्किट भी दिए, वो भी मक्खन लगा के। बोला अली जान तुम बहुत नेक इंसान हो। तो अपनी तारीफ ही करता रहेगा कि मुद्दे पे भी आएगा, बात क्या हुई? अरे जनाब सुनिए तो, उसने आपकी भी बहुत तारीफ की, कहने लगा कि गुलाम रसूल बहुत अच्छा बावर्ची है और गुश्ताबा तो वो ऐसा बनाता है कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुबह को खाओ तो शाम तक मजा देता रहता है, लोग उंगलियां चाटते रहते हैं। वो तो है, लेकिन ये हैदर अली ने मेरी तारीफ की, कमाल है भाई। अरे मियां कमाल तो ये है कि उसने ये भी कहा कि पूछ लेना गुलाम रसूल से क्या तुम मेरी होटल में नौकरी करोगे। ये कहा कमीने ने? हाँ? कि तुम्हें अरे, अरे गुस्से में क्यों आ रहा गुलाम रसूल, हैदर अली ने तो तुम्हारी तारीफ की है। ये मेरी तारीफ नहीं है अम्मा जी, ये मेरी इंसल्ट है। अरे अम्मा जी, वो कमीना मेरे दुकान पे आके उधार खाने वाला, वो मुझे अपनी दुकान में नौकर रखेगा, उसके तुम्हें। अरे चुप हो जा चुप हो जा। अली जान जी, जाके हैदर अली से कह देना कि गुलाम रसूल वाजवान का नौकर नहीं, मालिक है, मालिक है। और मालिक कहीं नौकरी नहीं करते। उसको बोल दीजिए वो आके नौकरी कर ले मेरे यहाँ, समझा? जी जी। अच्छा अम्मा जी, तो अब मैं चलता हूँ। अरे गरीब बेचारे के पीछे फिर पड़ गया। ओफो, ये लो फिर महंगाई वाला पर्चा आ गया मेरे सामने, खुदा ही खैर करे। अमान, ओ अमान बेटा, अमान कहाँ है आप? मैं आपके साथ क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि मैं काम से जा रही हूँ अमान। तो मैं आपको काम करने से नहीं रोकूंगा। जिद नहीं करते बेटा, ओके? सही तो कह रहा है अमान, उसे अपने साथ ले जाओ, उसकी स्कूल की छुट्टियां भी हो गई है, घूम लेगा बेचारा। अम्मी, मैं अमान को देखूंगी या फिर मसूद को ढूंढूंगी? मैं आपके साथ अबू को ढूंढूंगा, प्लीज मुझे ले चलिए ना। जिद नहीं करते अमान बेटा। अच्छा अच्छा, देखो अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो फिर यहाँ नानी अकेली रह जाएंगी, उनकी देखभाल कौन करेगा? चाची से कहेंगे ना कि वो नानी के पास हो जाए। चाची से? आप हंस रही क्यों हैं? नानी इनसे कहिए ना। कुछ और सोच रहे? क्या? सुना है इस साल गुलमर्ग में बहुत अच्छी बर्फबारी हुई है, वहां जाके स्कीइंग करने का मजा ही कुछ और है। वाह, आपको स्कीइंग आती है? आती है मतलब, हम आपकी उम्र में थे तो स्कीइंग चैंपियन थे, कप्स भी हैं हमारे पास। कहाँ है वो कप्स? ऊपर अलमारी में रखी हुई, मैं अभी उन्हें लेके आता हूँ। अमान तो बच्चा है, बहलाने से बहल जाएगा, लेकिन बेटा तुम अपना दिल कब तक बहलाती रहोगी? जब तक मैं मायूस ना हो जाऊं। आप ही ने कहा था ना, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे और मसूद तुम्हें मिल जाए। जरूर मिलेंगे अम्मी। जाओ बेटा, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में सोपा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन बेटा फोन जरूर करना। अम्मी
मैम, दो मिनट बैठिए, मैं आ रहा हूं। जी आपने मुझे पहचाना, मैं आई थी ना कुछ दिन पहले यहाँ। जी जी, बहुत अच्छी तरह से याद है। आप अपने हस्बैंड को ढूंढने आई थी। जी क्या हुआ, मिले कि नहीं? नहीं, मुझे वापस जाना पड़ा था इसलिए। मुझे एक बात बताइए, मेरे जाने के बाद वो फिर यहाँ आए थे? जी वो तो कई बार आए। और वो औरत? वो भी साथ में थी। आपने कभी उनका नाम या उनका पता जानने की कोशिश की? देखिए बहन जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, हम अपने कस्टमर्स की इंक्वायरी नहीं करते हैं, खास तौर पर इम्पोर्टेंट कस्टमर्स की। और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता तो शायद कुछ पता भी चल जाता है, लेकिन वो हमेशा कैश पेमेंट ही करते हैं। अगर मेरी एक राय है, आप माने, आपके पास फोटो है, आप CID में ले जाकर दे दीजिए, शायद 4 दिन के अंदर ही पता लगा कर बता देंगे। पुलिस, CID सब कुछ कर चुके, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। तो नसीब की बात है, कोशिश करते रहिए, शायद मिल जाए। आप मेरी बहुत मदद कर चुके हैं, एक छोटी सी मदद और करेंगे? जी जी कहिए ना, मुझे आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू। मुझे इस रेस्टोरेंट में कुछ दिन के लिए जॉब मिल जाएगी। जॉब? जी मतलब ऐसा है, अगर मुझे यहाँ जॉब मिल गई, मैं रोज यहाँ आती रही तो शायद वो मुझे दिख जाए, मिल जाए। देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है, अभी एक लड़की ने मुझे लीव के लिए एप्लीकेशन दिया है, वो 2 महीने के लिए लीव पर जाना चाहती है। मैं वो जॉब करने के लिए तैयार हूँ। पर आपको कस्टमर सर्विसेज की कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं? है। आपको पता है, हमारा भी एक छोटा सा फैमिली रेस्टोरेंट है, मैं अक्सर वहाँ काउंटर पे बैठ जाया करती हूँ हिसाब किताब करने, तो आई कैन डू इट। ओके ओके ओके, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कल से आ जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पर असली खुशी तब होगी जब आपको आपके हस्बैंड मिल जाएंगे। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। All the best. मैं कल से जॉब ज्वाइन कर लूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया। रेडी? रेडी। सुबह का सलाम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। दोपहर का सलाम। गुड नून सर। गुड नून सर। गुड नून नहीं, गुड आफ्टरनून। यही मार है कमबख्त, आफ्टर भी है बीच। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। शाम का सलाम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ये नहीं बोलना है, गुड इवनिंग का जवाब सामने वाला देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये कट किया, कट किया, इसको निकाल दिया। वेरी गुड सर, गुड इवनिंग सर। ठीक, ऑर्डर लेने के बाद क्या बोलोगे? अभी लाया सर। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जब कोई कस्टमर आएगा तब क्या कहोगे? वेलकम सर, वेलकम सर। क्या हो रहा है? वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर नहीं, वेलकम मैडम। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम, तशरीफ रखिए। तो अंग्रेजी सीखी जा रही है? क्यों अमान मियां, कोई नई शरारत सूझी है आपको? नहीं नानी, अब से जो भी होटल में आएगा चाचे उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे। और वही पहनूंगा मैं, वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, एप्रन। और सर पे वो भी लगाऊंगा, सफेद सी टोपी होती है ना, लंबी सी, जो बड़े होटलों में लगाते हैं। अच्छा, किसी अंग्रेज से दोस्ती हो गई है, 5-स्टार में नौकरी ढूंढ ली है? मुकाबला करना है अम्मा जी, मुकाबला। हैदर अली का जो नया होटल खुल रहा है ना, उसके साथ मुकाबला करना है। तुम तो एक पैसा नहीं देने वाली हो, सारा खर्चा मुझे करना पड़ेगा।
अब मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। सारी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। मुझे ना हैदर अली के एक एक बात का जवाब देना है। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उसने अपने होटल का नाम रखा है, वो क्या नाम रखा है, मॉडर्न होटल है ना भाई। तो मैंने भी सोच लिया है कि मैं भी अपने वाजवा का नाम बदल दूंगा और एक बड़ा सा बोर्ड लगाऊंगा जिसपे बड़े बड़े हरफों में लिखा होगा एयर कंडीशन होटल। एयर कंडीशन? हाँ, एयर कंडीशन होटल। अरे पागल, ये कोई नाम भी होता है? होता है अम्मा जी, होता है। एयर कंडीशन नाम होता है। घर से बाहर निकलो, जाके नुक्कड़ पे देखो, सलीम हजाम है ना, उसके दुकान पे क्या लिखा है, बड़े बड़े अल्फाजों में लिखा है उधर, एयर कंडीशन हेयर कटिंग सलून। जब सलून एयर कंडीशन हो सकता है तो होटल क्यों नहीं हो सकता, इंग्लिश नाम है। अरे पागल, एयर कंडीशन क्या होता है जानते भी हो? यू ही बातें कर रहे हो? अम्मा जी, हमें समझना हमारा कुछ नहीं है भाई, होटल चलाना है, खत्म हो गई बात। अरे बुद्धू, एयर कंडीशन किसे कहते हैं पता है? जो मशीन कमरे को ठंडा करती है। तुम्हारे पास कहाँ है वो मशीन? मैंने इन्हें बहुत समझाया था नानी, पर ये किसी की सुनते हैं क्या? अच्छा चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एयर कंडीशन नहीं रखेंगे, लेकिन ये पुराना वाला नाम भी नहीं रहेगा, वाजवा तो रहेगा ही नहीं, ये तो निकाल ही दूंगा मैं, बहुत पुराना अम्मा जी, कोई अंग्रेजी नाम रखेंगे कुछ नया भाई, सोच लो तुम। नाम से कुछ नहीं होता, काम चाहिए, काम होना चाहिए। बस तुम तो नसीहत ही देती रहना, पैसे नहीं देना। अगले जुम्मा को हैदर अली अपनी दुकान का वो कर रहा है, वो क्या भाई, क्या बोलते हैं, करते हैं जो खोलते हैं उसको, इनॉग्रेशन, इफ्तिताह, इनॉग्रेशन, वही वही कर रहा है, धूमधाम से करने वाला है, झंडियां लगवा रहा है, बैंड बाजे बजवाएगा, आतिशबाजी होंगी, और तुम यहाँ बैठ के बस नसीहत देती रहना। अल्लाह उसको मुबारक करे। लो सुनो, सामने वाला हमें नस्त नाबूद करने पे तुला पड़ा है और ये उनके हक में दुआएं कर रहे। वाह अम्मा जी, वाह वाह वाह। किसी से हसद नहीं करना चाहिए गुलाम रसूल। हसद? हसद क्या होता है? हसद वो होता है कि किसी की तरक्की देखकर जलना। हदीस है कि हसद इंसान की सारी नेकियों को सूखी घास के जैसे जला देता है। लेकिन अम्मा जी, मैं हसद नहीं करता हूँ हैदर अली से, उल्टा वो करता है हमसे हसद, जलता है, हमें खत्म करना चाहता है वो। वो चाहता है कि इस बस्ती में हम ना रहे, बस उसका ही होटल रहे। अगर ये बात है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसका हसद उसको तबाह कर देगा। और अगर उसने हमें तबाह कर दिया तो अम्मा जी? तो अल्लाह मालिक, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। लो भाई अमान भाई, ये तुम्हारा जो गुड मॉर्निंग और गुड नून है ना, ये तो तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि भाई इस होटल का तो अल्लाह ही मालिक है, हैं? अरे कहाँ चल दिए, गुलाम रसूल ही तराओ तो। मैं काम पड़े अभी। शुक्र है अल्लाह ने एक ही नमूना बनाया है। ये हमारे कैटरिंग और इवेंट्स के मैनेजर, ये सब कुछ देखभाल कर लेंगे, आप बैठिए। जी सर। आप जिनको अपना पति कहती हैं, ये उन्हीं की पत्नी है और आज अकेली आई है। हेलो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक्चुअली मैं एक छोटा सा गेट टुगेदर प्लान करना चाहती हूँ। वंडरफुल आइडिया, आप यहाँ रख सकती हैं, ये ओपन एयर में यहाँ पर भी, और हमारा एक एसी हॉल भी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, अगर आप वो देखना चाहें तो। नहीं एक्चुअली ये गेट टुगेदर मैं अपने घर के लॉन में रखना चाहती हूँ।
घर में बहुत अच्छा आइडिया है। हम घर में भी केटरिंग करते हैं या आप लोग किस तरह का खाना पसंद करेंगे? मतलब इंडियन है, चाइनीज है, कॉन्टिनेंटल है, बंगाली है, कश्मीरी? आपके हस्बैंड को कश्मीरी खाना बहुत अच्छा लगेगा। आई मीन आपको कैसे पता मेरे हस्बैंड को कश्मीरी खाना पसंद है? गेस, मतलब आजकल सब लोग कश्मीरी खाना खा रहे हैं, फैशन में है, अच्छा भी है। वैसे आप यहाँ नहीं मालूम होती है, आई मीन नहीं आई है यहाँ पे? जी, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही ये रेस्टोरेंट ज्वाइन किया है। आप लोग यहाँ अक्सर आते हैं, है ना? मैनेजर साहब आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, हम मैं और मेरे शोहर यहाँ आते रहते हैं, यहाँ का खाना बहुत लजीज होता है तो हम आते रहते हैं। हाँ, अच्छा तो है यहाँ का खाना। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, सर्विस में है? नहीं नहीं, उनका खुद का बिजनेस है। पहले हम लोग दुबई में रहते थे, लेकिन कुछ साल पहले हम यहाँ आ गए, इंडिया शिफ्ट हो गए। क्या है ना, दुबई में थोड़ा हम इंडिया को मिस करते थे और मेरे पति वहाँ बिजी रहते थे, तो हम इंडिया शिफ्ट हो गए। मैंने खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है, अपने दो चार फ्रेंड्स को मिलकर एक अपना बुटीक चलाती हूँ और बस यहाँ का खाना, यहाँ के लोग जो मैंने मिस किए, अब यहाँ बहुत अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। इसलिए अब जब बिजनेस भी शुरू किया है, हस्बैंड का भी बिजनेस है, तो यू नो यहाँ की हवा कुछ अलग है। आप अपने घर में करना चाहते हैं पार्टी? या ऑफ कोर्स, या। तो ऐसा करते हैं कि कल हमारा एग्जीक्यूटिव आ जाएगा आपके घर पे और जगह भी देख लेगा, तो आसान हो जाएगा उसके लिए यू नो सब ऑर्गेनाइज करना, है ना? आप अपना एड्रेस दे दीजिए। ओ या श्योर। क्या ना, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा कार्ड, माय नेम इज सबीना, मैं यहाँ बुटीक चलाती हूँ। ठीक है, तो आप एग्जीक्यूटिव को भेज दीजिएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। मैडम जी, मुझे सबीना मैडम से मिलना है जी? मैं बोजोहरी मना इवेंट से आई हूँ। आइए जी। जी आइए प्लीज। आप बैठे ना मैडम, मैं मैम साहब को बुला के लाता हूँ। जी वो मैं एक्चुअली कुछ डिटेल्स लेने आई थी कल की पार्टी के लिए। अब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूँ पर्सनली। सो स्वीट ऑफ यू। हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस मैडम। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, आप कुछ पियेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? पानी। सागर, पानी लेके आना। तो वो मेन्यू कौन डिसाइड करेगा मैडम, आप या आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड दुबई में है, आज रात की फ्लाइट से वो यहाँ आने वाले, लेकिन उनके लिए ये सब कुछ सरप्राइज है, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आपने तो कहा था कि आप लोग दुबई से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली।
हाँ, लेकिन कारोबार अभी भी वही है ना? अच्छा, जी मैडम, कितने लोग आने वाले हैं आपकी पार्टी में? देखिए, कल करीबन 20 से 25 लोग आएंगे, और बातों बातों में मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा। वैसे आपका नाम क्या है? जी आयशा। आयशा, आयशा बस तुम दुआ करो मेरे महमूद को ये सरप्राइज पसंद आ जाए, बस। मसूद महमूद बन चुका है और उसकी बीवी आयशा नहीं सबीना है। ऐसा क्या किया था मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली? जीने